हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, SSC आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम एजुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर पर आधारित स्टेटिक GK के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए जैकमा को किसने पीछे छोड़ा? तो उत्तर है मुकेश अंबानी। हाल ही में रिलायंस जियो फेसबुक सौदे की घोषणा होने के बाद मुकेश अंबानी की दौलत ने जैकमा को पछाड़ते हुए उन्हें एशिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 10% की बढ़त के साथ अंबानी की संपत्ति $4.69 बिलियन से $49.2 बिलियन हो गई है। अगला क्वेश्चन, दीक्षा मंच किस मंत्रालय की पहल है? तो जवाब है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, एंटीगुआ और बारबूडा की मुद्रा क्या है? तो उत्तर है पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन, ड्रग्स एंड क्राइम UNODC पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर वियना, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है ब्रूट और मुद्रा पाउंड है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? तो उत्तर है करणम सेठ। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दीक्षा पोर्टल पर लॉन्च किया था। पहला निशा 2.0, दूसरा DHRUV 2.0, तीसरा स्टडी इन इंडिया 2.0, चौथा विद्यादान 2.0। तो सही जवाब है विद्यादान 2.0। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए दीक्षा मंच पर ई विद्यादान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने हाल ही में DRDO द्वारा विकसित मोबाइल BSL-3 BRDL लैब का उद्घाटन किया है, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के पहले COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को मोबाइल BSL-3 BRDL लैब राष्ट्र को समर्पित किया। इस लैब को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा मंत्रालय ने ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद के साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और सरकार की उचित अनुमति के साथ विकसित किया है। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसका मोटो है बलस मूलम विज्ञानम, और इसकी पेरेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और जिसके हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन DRO ने देश के बाकी हिस्सों के साथ पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने वाले 484 मीटर के स्थायी पुल का निर्माण किया है। पुल का निर्माण किस नदी के पार किया गया था? जिसका जवाब है रावी नदी। सीमा सड़क संगठन DRO ने रावी नदी पर सीमित भार क्षमता के फ्लोटिंग ब्रिज को बदलकर एक नया वर्ग 70 स्थायी पुल की निर्माण किया है, जो पंजाब में 35 वर्ग किलोमीटर कासोवाल एनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने परियोजना परिव्यय के रूप में एंटीगुआ द्वीपों को $1 मिलियन प्रदान करने की मंजूरी दी है। एंटीगुआ और बरबूडा की राजधानी क्या है? पहला कॉस्टेस, दूसरा सेंट जोन, तीसरा बीजिंग, चौथा पोर्ट लुइस। जिसका जवाब है सेंट जोन। भारत ने कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट सहित चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने और भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से तत्काल सहायता के रूप में चिकित्सा उपकरणों के लिए $150,000 के साथ एक परियोजना परिव्यय के रूप में एंटीगुआ और बारबूडा को $1 मिलियन की मंजूरी दी है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी सेंट जॉन है। अगला क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल दर साल आधार पर गर्मियों की फसलों के बोए गए क्षेत्र में वृद्धि क्या है? जिसका जवाब है 36%। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में फसलों के बोए गए क्षेत्र में साल दर साल आधार पर 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अतिरिक्त महानिदेशक अल्पना शर्मा ने यह बयान दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के सहयोग से बेड़े के समर्थन जहाज़ों FSV के निर्माण के लिए
2.3 बिलियन डॉलर के सौदे के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की के पाकिस्तान के साथ तुर्की के संबंधों और रिसेप तैयब एर्दोगन सरकार के साथ हालिया कूटनीतिक झगड़े पर सवाल उठने के बाद एक समीक्षा के बाद बेड़े के जहाज़ों FSB के साथ भारत 2.3 बिलियन डॉलर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का सौदा करने जा रहा है। FSB का फुल फॉर्म है फ्लीट सपोर्ट वेसल्स। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा और प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम और राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने COVID-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है। जिसका सही जवाब है ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC। जस्टिस इनिशिएटिव की संयुक्त शिक्षा के तहत ड्रग्स एंड क्राइम के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ COVID-19 पर ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला की शुरुआत की है और इसका असर सतत विकास के लक्ष्य पर हुआ है। UNODC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। अगला क्वेश्चन, पहले अरब देश का नाम बताइए जो भांग मारिजुआना की खेती को वैध बनाने वाला है। तो जिसका जवाब है लेबनान। निर्यात को बढ़ावा देने और कोरोना वायरस COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट को हराने के लिए कि उद्देश्य से औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए कैनविस भांग को वैध बनाने के लिए लेबनान पहला अरब देश बन गया है। 1975 से 1990 के गृह युद्ध के बाद से लॉकडाउन के कारण लेबनान सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र WCDL एग्री के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है। तो जिसका जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण WCL एग्री लॉन्च किया है जो कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष ऋण सुविधा और संबद्ध गतिविधियों के रूप में कोरोना वायरस COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए एक राहत उपाय है। WCDL एग्री का फुल फॉर्म है वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स के आउटलुक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जियो के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर क्या है। तो जिसका जवाब है 0.8%। फिच रेटिंग इंक अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO में एक अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान 0.8% तक कम कर दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अनुसार वित्त वर्ष अधिकतम के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या होगी। तो जिसका जवाब है 1.5%। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने एक पेपर में आर्थिक सुधार के लिए एक योजना में कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की चालू वित्त वर्ष में 1.5% बढ़ने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय IT कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IBM के साथ भागीदारी की है। तो जिसका जवाब है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सहायक कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और अधिक हाइब्रिड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवाचार केंद्रों की स्थापना के लिए अमेरिका आधारित IBM के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन, NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की US आर्म NIIT इंक US ने शिक्षा प्रदाताओं को आवासीय सेवाएं प्रदान करने के लिए US आधारित एडटेक कंपनी के साथ सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NIIT लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर, गुरुग्राम हरियाणा। NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसकी अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका सहायक कंपनी ने शिक्षा प्रदाताओं को आवासीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिका स्थित शिक्षा प्रौद्योगिकी एडटेक कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की अवधि 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इक्विटी पूंजी में फेडरल बैंक ने 4% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिसका जवाब है अलुवा केरल। फेडरल
फेडरल बैंक के बोर्ड ने औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया IDBI बैंक से IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLIC की इक्विटी पूंजी में 4% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में कुल 26% से 30% तक हिस्सेदारी बढ़ रही है। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलुवा केरल में और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो कल के क्वेश्चन का जवाब है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 180 देशों के बीच पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंट फ्रंटियर द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर है, इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो जिसका सही जवाब है 142। क्वेश्चन ऑफ द डे, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितने से ज़्यादा लिख सकें जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।